नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक का पीआरओ बनकर डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि ठगने वाले साइबर अपराधी को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास है। बता दें कि साइबर अपराध संबंधी अभियोगों के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत आईटी एक्ट में अभियुक्त द्वारा फोन कॉल पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत का पीआरओ बनकर वादी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जमाल खान निवासी ब्लॉक रोड कस्बा व थाना पूरन से 10,000 रूपये की धनराशि की ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए अभियुक्त अभिषेक शुक्ला पुत्र दया शंकर निवासी गोला गोकरण नाथ को घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। देखिए, 23 तारीख को पीलीभीत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी, कभी चौकी इंचार्ज, कभी एसपी सर का पीआरओ बताकर ठगी कर रहा था। तो प्राप्त शिकायत के आधार पर हमने इसको ट्रेस बैक किया है और आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनका नाम अभिषेक शुक्ला है तथा इनके खिलाफ पहले भी काफ़ी अपराध रहे हैं। यह लखीमपुर खीरी के गोला के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का साइबर अपराध इनके खिलाफ पहले हमको नहीं मिला है, परंतु इनके खिलाफ गंभीर अपराध पहले हैं। तो अब ये पहला मामला है जो साइबर का खुला है और इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल रहा है। इसने क्या किया, 15 जुलाई को एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पूरनपुर में अस्पताल में, तो उसका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर यूसुफ, तो उनके खिलाफ पब्लिक में काफ़ी रोष था। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने डॉक्टर यूसुफ को कॉन्टैक्ट किया, जिसका कॉन्टैक्ट इनको पीलीभीत में एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिला। उनको कॉन्टैक्ट करके इन्होंने 10,000 रुपये की मांग की कि ये मांग एसपी सर द्वारा की जा रही है और मैं उनका पीआरओ बोल रहा हूँ ऐसा दिखाते हुए। तो उसी प्रकरण में आज इनकी गिरफ्तारी हुई। सर, मुकदमा कहाँ लिखा गया था? मुकदमा साइबर थाने पे लिखा गया है। मुकदमा नंबर 3/2024 पंजीकृत है।